ममता बनर्जी जी को कि आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, उपस्थित यूनाइटेड इंडिया का लीडर लोग जो है, शरद पवार जी ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने, मिस्टर अमर अपांग जी, कानीमुरी देवगौड़ा जी का पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड शरद यादव जी, चंद्रबाबू नायडू जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारा और भी सारे पार्टी है, अपांग जी एंड अदर्स पार्टी लीडर्स एंड आपका लीडर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, और आपका पूरा हमारा जितना भाई और बहनों हैं, दिल्ली का जो जनता है, हमारा देश को जो जनता है, हमारा बहुत सारे एमपी है, हमारा साथ दार्जिलिंग हिल से भी बहुत सारे बोर्ड का चेयरमैन इधर में उपस्थित है, हमारा विनय तमंग से लेकर हमारा 45 एमपी भी इधर में अटेंड किया है इस धरना में, हमारा बहुत सारे वर्कर के भी आपका साथ एक साथ में इधर में आई हुई है, ज्यादा आने चाहते थे लेकिन मैंने बोला दिल्ली में तो अरविंद जी कंटेस्ट करेगा तो हम लोग उसका साथ रहेगा, तो मैंने बोला कि उसको सपोर्ट देने के लिए चलो हम लोग जाते हैं, कभी भी मौका आएगा तो दिल्ली में जीतने का बाद, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जाने का बाद, रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा बड़ा मीटिंग अभी से करने का वादा किया है ये धरना सत्याग्रह में हम लोगों ने। बहुत सारे लीडर लोगों ने बहुत सारे बात किया है, मैंने एक ही बात बार बार दोहराएंगे नहीं, मेरे हिंदी अच्छा का आपका माफी कितना अच्छा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मेरे को क्षमा कर दीजिए इसी के लिए, लेकिन मैं ये बात जरूर कहेंगे कि देखिए हम हिंदी पढ़ लेती है, लिख भी सकती हूँ कि हम लोग क्लास 5 से 8 तक हिंदी पढ़ा है, इसी के लिए हम लोग को जानकारी है, अच्छा जानकारी नहीं है लेकिन जानकारी है, जैसा संस्कृत भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा अभी चंद्रबाबू नायडू जी बोला कि जय भारत जय जन्मभूमि, जन्मभूमि हमारा बंगाल का भी वर्ड होता है, जन्मभूमि मातृभूमि कर्मभूमि ये वर्ड होता है, कभी कर्नाटका से मिलते हैं, कभी कोई 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 ना कोई जगह से हिंदुस्तान में मिलते हैं, ये तो है। आज एक बात सच सच कहने चाहूंगी, ज्यादा बात बोलने का जरूरत नहीं है, हमारा लीडर लोगों ने फारूक अब्दुल्ला से शरद यादव जी ने इतना दिल से बोला, चंद्रबाबू नायडू जी भी इंग्लिश में बहुत बढ़िया बोला, मैंने ज्यादा बोलने नहीं चाहूंगी, 2-4 बात। एक तो आज साफ साफ हो जाना चाहिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट का टर्म था, संसद में लोकसभा में जो हमारा हाईएस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकसभा का लीडर चुन के प्राइम मिनिस्टर होता है उसका मेंबर से, आज उसका लास्ट दिन हो गया है, 3 महीना 4 महीना का सवाल नहीं है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट, द एक्सपायरी डेट इज ओवर, अभी 1 महीना का अंदर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव डिक्लेयर होने से कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, तब उनका जो मर्जी नहीं कर सकते हैं, तब तो ऑफिसर का अंदर में चलाएगा, इलेक्शन कमीशन का अंदर में चलाएंगे, जितना भी डराओ और बात 20 दिन का मामला है और 20 दिन का मामला है, डराने का मामला, मारने का मामला, सीबीआई से लेकर एजेंसी का मामला, घर घर में आग लगाने का मामला, दंगा लगाने का मामला, देश को बेचने का मामला, देश को सवाल करने का मामला, ये ज्यादा दिन नहीं है, 20 दिन है, इसी के लिए इतना सोचने का इतना डरने का बात नहीं है, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं, वो कामयाबी होते हैं, हम लोग डरते नहीं है, हम लोग काफिर नहीं है, हम लोग कावर्डाइज नहीं हूं, हम लड़ने जनता है, क्या करोगे, जेल भेजोगे, क्या करोगे, मर्डर कर दोगे,
क्या करोगे? एजेंसी भेजोगे? कितना जेल है हम देखने चाहते हैं। पूछिए मीडिया वाला को, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड। हम झगड़ा भी करते हैं लेकिन हमारा अच्छा रिलेशन उसका साथ होता है। बेचारा बोलने नहीं सीखता है, खामोश रहता है, क्या करे? वो खामोश रहता है इसी के लिए, अगर कुछ कह दे तो एजेंसी भेज देगा। क्या करेगा बेचारा? कुछ नहीं कर पाते हैं। हम तो सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करते हैं। कल मैंने उनका एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा दो टीवी चैनल है, हमारा बीजेपी ऑफिस से जो बोलता है वही करता है। तो बीजेपी का मेंबर बोला, मैंने तो नहीं बोला। केला कौन खाता है? आप पूछिए। आपको पार्टी के पहले हॉल मीडिया को तंग करके रख दिया है, आरबीआई को गवर्नर रिजाइन करके चला गया है, सीबीआई को खत्म करके दिया है। देश में जितना बैंक है ये लोग रहेगा तो आपका बैंक का मानी आपको नहीं मिलेगा, लुटेरा सब ले लेगा। मीडिया को बोलता है चुपचाप रहो, ये बात सच है। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा था कि आपको फोन तो नहीं आया कि ये लोगों को दिखाओ मत, जरूर फोन आया। फोन करके बोलता है दिखाओ मत, हम जो बोलेगा वही करो। अरे भाई हमको तो फोन सर्वेलेंस में है ही, आप लोगों को सबका है, मीडिया भाई और बहनों सबका है, आपको एडिटर को सबका है, आपका पॉलिटिकल लीडर को सब सर्विलेंस में है, ऐसे बीजेपी मिनिस्टर को भी है। वो किसी को विश्वास नहीं करते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी का लेवल पे भी है, आईपीएस का भी है, बहुत सारे आईएएस का भी है। ऑफिसर लोगों को भी विश्वास नहीं करते हैं, उसको जेल में डालते हैं। आप देखो मध्य प्रदेश में जो केस हुआ था भापम केस, कितना ऑफिसर को मार डाला पुलिस को। देखो कई दिन पहले यूपी में केस हुआ, पुलिस को मार डाला। जो इशरत केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको क्या हुआ? हमारा उधर में जाके कहते हैं डिपार्टमेंटल एक्शन लो, उसको मेडल तोड़ लेंगे। हम बोला कितना मेडल दिया है? ऑल ऑफिसर मेडल वापस दे देंगे अगर ऐसा आप करोगे तो। इतना ऑडासिटी हो गया है, आप क्षमता देखा था हो, कितना कान है आपके पास, कितना गुण है। भेज दिया पुलिस कमिश्नर का घर में, क्या है क्या? मैंने बहुत सरकार देखा है, मैं मेरा को 11-12 साल से पार्टी करते हैं, मैं बहुत सरकार देखा है, इतना गिरवात सरकार मैंने कभी नहीं देखा है। इनका पता नहीं है, मैं भी जिंदगी भर बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई किया। हम लोग सब चोर है और आप एक साधु संत है, किधर से आया है? गांधी जी को भी नहीं मानता, गांधी जी को नाम नहीं बोलता, हम बोलेगा तो बात बोलेगा। गांधी जी को नहीं मानता, राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं मानता, नेताजी को नहीं मानता, अंबेडकर को नहीं मानता, बाबा साहब अंबेडकर को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं मानता, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी। कभी कभी चुनाव का टाइम नाम याद आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं याद आता है, स्वामी विवेकानंद को नहीं आता है, खाली उनका स्टैचू बनाना चाहिए। क्या स्टैचू बनाएगा? मैं सेंट्रल हॉल में गया तो मैंने देखा वाजपेयी जी का बहुत अच्छा से एक शानदार फोटो लगाया, मैंने खुश हुआ कि वाजपेयी जी उनका माफिक नहीं था। लेकिन मैंने उधर में बोल दिया, मैं थोड़ा आउटस्पोकन है, उल्टा पलटा बोल देते हैं। मैं बोला अरे एक जाएगा तो रख दो, नरेंद्र मोदी का छवि कब लगेगा इधर में, एक तो जाएगा रख दो, सब क्यों भर्ती कर रहा है? इतना काम किया है, इतना लोगों को जलाया है, इतना परेशानी किया है, एक काला ग्रहण का तारा हो गया है। देखा आसमान जब काला हो जाता है ना, एक ग्रहण का तारा हो जाता है। इसी के लिए मैं कहने चाहूंगी, किसको तंग नहीं किया है? बेचारा अखिलेश एक नौजवान है, एक मीटिंग में जा रहा था, बोलता है नहीं जा पाओगे, उसका घर में रेड किया है मायावती जी और अखिलेश, जब गठबंधन किया है। हम चाहते हैं, देखिए बहुत सच सच बात है, जो जिधर में स्ट्रांग हो वो उधर में लड़ाई करे। बंगाल में हम स्ट्रांग है तो हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करेंगे।
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अगर स्ट्रांग है, चंद्रबाबू नायडू लड़ाई करेंगे। अगर हमारा इधर में दिल्ली में आप स्ट्रांग है तो आप ही लड़ाई करेंगे। अगर हमारा यूपी में बीएसपी समाजवादी पार्टी ये लोग स्ट्रांग है, अधिक पार्टी अजीत सिंह जी का पार्टी लेकर, तो वही लड़ाई करेंगे। हम फारूक अब्दुल्ला जी का पूरा समर्थन करके कहती हूं, बड़ा काम के लिए कई को कभी कभी कुर्बानी देने पड़ता है। हम भी चाहते हैं तो हम भी बहुत सारे सीट में लड़ सकते हैं। हम कभी नहीं करते हैं इसी के लिए कि तुम मध्य प्रदेश में स्ट्रांग है कांग्रेस, तुम लड़ो। तुम राजस्थान में स्ट्रांग है, लड़ो। तुम छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग है, लड़ो। लेकिन हम जिधर में स्ट्रांग है उसमें बीजेपी का जो हार जीतने के लिए उसको वोट मांगते रहो। हमें कुछ नहीं होगा। हमें तो कांग्रेस सीपीएम बीजेपी का से फाइट करना आदत हो गया है कि हमारा उधर में इलेक्शन में कांग्रेस सीपीएम बीजेपी एक साथ में फाइट करते हैं। हम अगर अंडरस्टैंडिंग भी करें तो वोट ट्रांसफर नहीं करेगा, वो आदत हो गया है। हम इसी में नहीं डरते हैं। वो जितना फाइट करेगा मेरे को 42 में 42 ही आ जाएगा, ये हम विश्वास करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी जिधर में स्ट्रांग है, आपका इधर में 7 सीट है। 7 सीट में इतना अच्छा से फाइट करोगा आपका वर्कर लोग कि 7 सीट में 7 आपको आना चाहिए, किसी को 1 सीट भी नहीं मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी स्ट्रांग है, सीनियर लीडर एनसीपी स्ट्रांग है। क्या रीजनल पार्टी इतना वीक नहीं है? हमारा पार्टी भी नेशनल लेवल पार्टी है, ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज पार्टी है। शरद जी का पार्टी भी है, बीएसपी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और सारे पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। अरे भाई, बीजेपी आपका पास बहुत रुपया हो गया है, इतना सच्चा ध्यान करते हैं? कितना सच्चा? एक मोदी का मीटिंग में कितना रुपया खर्चा होता है पूछो, एक मीटिंग में कितना रुपया खर्चा होता है खाली पूछो। बाइक दे देता है, गाड़ी दे देता है, हजार हजार रुपया दे देता है। क्या हो गया, क्या था, क्या बन गया? अब दिल्ली में देखो, पार्टी ऑफिस बनाया, शॉपिंग मॉल से कम नहीं है, कितना दम है। शॉपिंग मॉल से ज्यादा बड़ा पार्टी ऑफिस हो गया है। और वो हमको लेसन देगा लोकतंत्र को, और हम सुनेंगे? क्या सोचता है? बहुत दिन हम टॉलरेट किया है, बहुत दिन टॉलरेट किया है। उसको मिनिस्टर फोन करके बोलता है मोदी का खिलाफ, मोदी का नाम मत करो, मोदी का खिलाफ मत बोलो। क्यों? हमको तुम जो भी मर्जी कहेगा, हम हमारा बात भी नहीं कह सकती हूं। हर लोग डरा हुआ है, गब्बर सिंह आ रहा है, हर लोगों ने डरते हैं। भाई गब्बर सिंह आ गया है। पहले तो छोटा छोटा बच्चा लोगों को माँ ने, माता जी ने, अम्मा ने, मदर ने उसको सोताता था तो बोलते थे भाई सो जा, नहीं तो बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। अलावी इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है सो जा भाई गब्बर सिंह आ जाएगा, मीडिया को बोलता है सो जा भाई गब्बर सिंह आ जाएगा, पॉलिटिकल लोगों को बोलता है सो जा भाई गब्बर सिंह आ जाएगा, किसान को बोलता है गब्बर सिंह आ जाएगा, नौजवान को बोलता है गब्बर सिंह आ जाएगा। अरे भाई ये क्या है, कितना गब्बर सिंह है देश में? अब तो अकेला ही है ना, दूसरी है अमित शाह, दोनों दो गब्बर है, दो गब्बर है ना। गुजरात का दिन हम लोग को पता है, हमको तो शर्म लगता है। जो लोगों को हाथ में खून है, खून खून पूरा शक्ल में खून है, लोगों को खून से खून पिया है, ये लोगों ने देश का राज कर रहा है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मैं ये बात करने के बाद फिर देखेंगे कि कल हमारा घर में भी भेज देगा सीबीआई को। मैं बोलेगा कब आना है बता दो, हम तुमको लिए खाना वाना सब बना के रखेगा, जो भी मर्जी, चाहे भेजो चाहे नॉन भेजो, चाहे रोटी हो, जो भी हो, जो भी हो। क्या हो रहा है? खाली डराता है। हम तो डरते नहीं है, हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। कफून हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफून के लिए इंतजार नहीं करते हैं। ये हमारा जिंदगी का संघर्ष है। मैं इसी के लिए कहने चाहूंगी कि आइए एक यूनाइटेड इंडिया हम लोग बनाए। कोई कुछ नहीं किया, सब उन्होंने कर दिया। क्या कर दिया? हमारा उधर में लेटर भेज रहा है, ट्रीटमेंट कौन दे रहा है, मोदी दिया है, खाना कौन दिया, मोदी दिया है, ड्रेस कौन दिया है, मोदी दिया है, पूरा सब मोदी दिया है। तो हम लोग क्या गोदी में है ऐसे ऐसे, सब मोदी दे दिया। लेटर लिख के लेटर फोटो लगा के भेजता है घर घर में, एक पैसा देता नहीं है, एक पैसे देते नहीं है।
और खाली फोटो भेजता है, खाली फोटोबाजी है। डेमोक्रेसी अभी नोमोक्रेसी हो गया है, मोदीक्रेसी हो गया है। सब नोमो बोलता है, मैं तो एयरपोर्ट में भी देखते नोमो का नाम पे दुकान हो गया है, और नेहरू का कोट पड़ता है और नोमो कोट बेचता है। नेहरू जी का नाम पे वो अपन का नाम लगा दिया है, तो बहुत मुश्किल का बात हो गया है। हिस्ट्री चेंज कर दिया है, कभी नाम चेंज कर दिया है। पूरा देश में मैं आपको कह रही हूं कि ये इमरजेंसी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। आप सोचिए, सपना देखना आसानी है लेकिन सपना देखना जानना पड़ता है। मोदी जी, आपको सपना देखना आता नहीं है, आपको देश को तोड़ना आता है, हमें देश को जोड़ना आता है। इसी के लिए आने वाला दिन इकट्ठा होकर हम लोग लड़ेंगे। हमारा साथ कांग्रेस सीपीएम का जो भी फाइट रहेगा, स्टेट में रहेगा, नेशनल लेवल में हम लोग एक साथ में करेंगे। ये हमारा बड़ा दिल से हम कह दिया है, लेट देम फाइट अगेंस्ट मी, आई डोंट माइंड, बट फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस माई लाइफ, आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस माई पार्टी, आई एम रेडी टू सैक्रीफाइस एवरीथिंग। क्यों हम याद करेंगे हमारे ऑफिसर लोगों को, हमारा नौजवान को जो देश को आजादी दिया था, जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक की सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी के लिए हम करेंगे, इसी के लिए हम करेंगे, चाहे हम किसी पे ना रहे, हमको रहना भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, लेकिन हम एक सिंपल वर्कर का माफिक, हम ये जरूर देखेंगे मोदी ना आए, देश ना बेचे, देश ना होता करे, लोकतंत्र ना होता हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, एकता बचाओ मोदी हटाओ, नौजवान बचाओ मोदी हटाओ, किसान बचाओ मोदी हटाओ। आज व्हाट्सएप के लेकर, डोंट सेंड योर मैसेज टू व्हाट्सएप, आई एम टेलिंग यू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स, दादा फ्रेंड्स, वो भी सर्वेलेंस में है, तुलिया पूरा, नॉट ओनली द फोन इज सेफ, नो, व्हाट्सएप फोन इज ऑल्सो नॉट सेफ, नॉट द मैसेज ऑल्सो, ऑल द फोन आर बुक्ड, इसराइल से टेक्नोलॉजी ले आया और सबको करते हैं। ऐसे देश नहीं चलता है, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हिटलर का टाइम में नहीं हुआ, तो आज क्या चल रहा है। इसी के लिए आइए हम इकट्ठा है, हम लोग इकट्ठा होकर आज वादा करने का दिन है। मैं सुबह में पार्लियामेंट में गया था, लास्ट डे है, इसी के लिए मैं जाके हमारा एमपी लोगों को लेकर, सब इधर में बैठे हैं, मैं गांधी जी का मूर्ति का पास गया और बोला, बापूजी क्षमा कर दीजिए, ए बीजेपी को हटाइए, देश को बचाइए, देश का नेता कैसा होता है, गांधी जी जैसा होता है, बाबा साहेब अंबेडकर जैसा होता है, नेताजी जैसा होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे होता है, भगत सिंह जैसा होता है। मोदी जी, आप खाली गुजरात देखा, छोटा से कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थे, सबको मर्डर करके, दंगा फसाद करके सबको डरा रहे थे। अब गुजरात को पहचानता है, लेकिन गुजरात भी आपको अभी नहीं पहचानेगा, नेक्स्ट इलेक्शन में गुजरात का आदमी भी आपको वोट नहीं देंगे, और आने वाला दिन गुजरात में जाने का मौका भी आम जनता आपको नहीं देंगे। आप गुजरात में हो, लेकिन गुजरात के दिल से गांधी जी भी पैदा हुआ था, लेकिन वो देश का लीडर था। आप लीडर नहीं, लीडर है ना, आप लीडर हो नहीं, ना इधर लीडर और लीडर, आप क्या हो, आपका शकल थोड़ा आईना से देखो, आप मोदी जी आप कैसा है, आपका शकल आईना से देखो। कभी कभी बोलता है हमारा 56 इंच छाती है, अरे रावण का भी था, 56 इंच छाती तो रावण का भी था। तो इसी के लिए चलिए, जो भी है बेरोजगार से निकाल के किसान लेकर सब अब दुख में है पूरा। आप लोग मेहरबानी करके, हम आई विल अपील टू ऑल माय वोटर्स थ्रू आउट द कंट्री, वी विल अपील टू ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी विल अपील टू इवन द एनआरआई फ्रेंड्स, दे आर मैनेजिंग द एनआरआई फ्रेंड्स, एंड सेड दैट यू सेंड मैसेज टू योर कंट्रीमैन दैट वोट फॉर मोदी, नो दिस टाइम प्लीज माई एनआरआई फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन एट द ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल, प्लीज कॉस्टेक, मोदी रहेगा तो देश चला जाएगा, देश नहीं रहेगा तो क्या राजनीति होगा।
देश को रक्षा करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भय रहना भाई भाई। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत दिल से होता है, बंदूक से नहीं। ए मोदी जी, आप बुझ लीजिए, समझ लीजिए। लास्ट में हम कहेंगे, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होते हैं जो मंजूरे खुदा होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। वार्तावाणी न्यूज चैनल एप్పటికప్పుడు राजकीय सिनी విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది। మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।